नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट आसाम, जिसका राजधानी शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एंड मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटी है। गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे भी माना जाता है। और आज हम लोग गुवाहाटी एंड आसाम में बन रहा और अपकमिंग मेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, कैसे आगे आने वाले दिनों में गुवाहाटी एंड आसाम डेवलप्ड होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं जब भी कोई सिटी को एक्सप्लोर करता हूँ या फिर मेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता हूँ तो बहुत ही डिटेल्स के साथ सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं गुवाहाटी मेट्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे डेवलप्ड एंड पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे आबादी करीब 12 लाख से 15 लाख के आसपास है। 2013 में आसाम गवर्नमेंट ने गुवाहाटी में मेट्रो सर्विस शुरू करने के लिए गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDSA स्टेट लेवल में डिस्कशन हुआ था। गुवाहाटी मेट्रो में टोटल 60.40 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा, अर्बन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम MRTS। इसमें कुल 4 लाइन को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जहां पे 54 स्टेशन को बिल्ड किया जाएगा। 2016 में फेस 1 का DPR राइट्स द्वारा बनाया गया था, जिसे आसाम गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर लिया था। इस प्रोजेक्ट को गुवाहाटी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड GMRCL एग्जीक्यूट करने वाला था, लेकिन 2017 में आसाम में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद DPR को फिर से मॉडिफाई करके एडिशनली कुछ लाइन को कनेक्ट करने का प्रपोज किया। गुवाहाटी में टोटल 4 लाइन मौजूद होगा। लाइन 1 धारापुर से नारायणगंज तक 22.6 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसमें 22 स्टेशन को बिल्ड किया जाएगा। लाइन 2 MG रोड से शुरू होकर खानापारा तक अंडरग्राउंड 10 किलोमीटर का लॉन्ग कॉरिडोर होगा, इसमें 10 स्टेशन को बिल्ड किया जाएगा। लाइन 3 में जुलूबारी से खानापारा तक 19.4 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, इसमें 14 स्टेशन को बिल्ड किया जाएगा। लाइन 4 में ISBT से पल्टन बाजार तक 9.4 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, इसमें 8 स्टेशन को बिल्ड किया जाएगा। अंडर वाटर रोड टनल। दोस्तों, आपने अंडर वाटर मेट्रो टनल के बारे में सुना है, जो कोलकाता में अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर वाटर म्यूजियम के बारे में सुना है, जो पुंडुचेरी में बन रहा है। अंडर वाटर बुलेट ट्रेन के बारे में सुना है, जो मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट पर बनने वाला है। अब इंडिया में अंडर वाटर टनल बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से, जहां से मेट्रो या फिर ट्रेन नहीं बल्कि नॉर्मल रोड पर चलने वाली गाड़ियां चलेगी। जी हां, काफी इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से ऐसे टनल को बनाया जाएगा जहां से 80 किलोमीटर के रफ्तार के साथ गाड़ियां चलेगी। बेहतरीन इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर आगे आने वाले समय में हम लोग देख पाएंगे। इंडिया में यह पहली बार है कि किसी नदी के नीचे गाड़ियां चलाने की टनल को बनाया जा रहा है। आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से ये टनल बनेगा और ये टनल करीब 14.85 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है। आसाम के गोहपुर से नुमालीगढ़ तक इस टनल को बनाया जाएगा, जो नेशनल हाईवे 54 को नेशनल हाईवे 37 को जुड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत दो अलग अलग टनल को बनाया जाएगा, जिसमें टोटल 4 लेन की लंबी कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। यहां से चलने वाली गाड़ियां 80 से 100 किलोमीटर के रफ्तार के साथ चल सकेगी। इस टनल से बहुत ही कम समय में अरुणाचल प्रदेश तक जाया जा सकता है, जो चीन के बॉर्डर से सटा हुआ है। इंडिया में बनने वाला ये टनल अभी चीन में ताइहू नदी के नीचे अंडर कंस्ट्रक्शन टनल से भी लंबी होने वाली है। इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHAIDCL और अमेरिकन कंपनी लुइस बर्जर के साथ मिलकर बनाएगी। इस साल के दिसंबर मंथ से ही प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी तक तय नहीं हुआ है। नदी के नीचे से ये टनल बन रहा है, तो इसका सुरक्षा भी काफी पुख्ता किया जाएगा। टनल में वाटर लीकेज ना हो, इसलिए खास ध्यान दिया जाएगा। टनल में वेंटिलेशन रखा जाएगा ताकि फ्रेश हवा आ सके। ड्रेनेज सिस्टम रहेगा। दोनों टनल के कुछ दूर पर ही ये दो टनल एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा। टनल में चलते हुए कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो पास बैरियर होगा, ताकि गाड़ी पलट कर रोड पर ही आ जाए और टनल को कोई क्षति ना पहुंचे। इस पूरे प्रोजेक्ट को टोटल 3 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। ये तो था बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल्स प्लानिंग तैयार होगा, उसके बाद प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। गुवाहाटी ट्विन टावर। गुवाहाटी ट्विन टावर और ट्रेड सेंटर आसाम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने NBBC के साथ एक MOU साइन किया है, जहां पे कई एकड़ जमीन में 65 फ्लोर का दो बिल्डिंग्स को बिल्ड किया जाएगा। ट्विन टावर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आसाम एंड गुवाहाटी एक मेजर बिजनेस गेटवे की तरह उभर कर सामने आएगा। 1500 करोड़ से भी ज्यादा लागत से ट्विन टावर ट्रेड सेंटर को बनाया जाएगा। आसाम गवर्नमेंट के तरफ से ही लैंड दिया जाएगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। बिल्डिंग को बहुत ही खूबसूरती के साथ यूनिक डिजाइन में बिल्ड किया जाएगा, जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं।
इस बिल्डिंग को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ट्विन टावर ट्रेड सेंटर एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग की तरह बिल्ड किया जाएगा। बिल्डिंग के अंदर कॉन्वेंशन सेंटर, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल जोन, सर्विस, प्लेग्राउंड, रिटेल स्पेस जैसे और भी काफी कुछ सुविधा मौजूद होगा। 2018 में ट्विन टावर ट्रेड सेंटर का प्रपोज किया गया था। हालांकि बिल्डिंग को बनाने के लिए अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जिसका पूरा नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरोदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ये एयरपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी का जो टर्मिनल है वो बहुत ही पुराना एंड पैसेंजर कैपेसिटी भी बहुत ही कम है, इसलिए गवर्नमेंट ने 2018 में गुवाहाटी एयरपोर्ट की न्यू मॉडर्न एंड एडवांस एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का प्लान बनाया, जहाँ पे पूरी की पूरी एयरपोर्ट को न्यू मॉडर्न आर्ट के साथ, एडवांस एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ, पैसेंजर फ्रेंडली एंड मोर इक्विपमेंट के साथ एयरपोर्ट को मेकओवर दिया जा रहा है। आगे आने वाले समय में आसाम एंड गुवाहाटी में और ज्यादा लोग प्लेन से ट्रेवल कर सकेंगे और आसाम की टूरिज्म एंड इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगी। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश के अंदर कई सारी सिटीज को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है, जहाँ पे शहर को स्मार्ट तरीके से अच्छी मैनेजमेंट के साथ डेवलप किया जा रहा है। आसाम के गुवाहाटी शहर को भी स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है, जहाँ पे गुवाहाटी शहर में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। इसमें शहर की रोड कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जाएगा, सिटी स्ट्रीट को वाइड किया जाएगा, नए नए ट्रैफिक इक्विपमेंट्स को शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज किया जाएगा, फ्लाईओवर बनाया जाएगा, लोगों की सुविधा के लिए वाटर ATM, ग्रीन कॉरिडोर, स्मार्ट साइकिल, ई रिक्शा, ग्रीन गार्डन, लाइट्स, पार्क को बिल्ड किया जाएगा। सब मिला के गुवाहाटी शहर को मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, ये तो था आसाम एंड गुवाहाटी शहर का अपकमिंग मेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, जो कंप्लीट होने के बाद आसाम एंड गुवाहाटी का मेजर डेवलपमेंट होगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा आसाम का। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।